राज्यसभा में बुधवार को जल संकट के मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा हुई। इसके बाद जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चर्चा का जवाब दिया, लेकिन चर्चा के दौरान एक क्षण ऐसा आया जब कांग्रेस के सांसद अनंत शर्मा गुस्सा हो गए और उन्होंने मंत्री के बयान पर अपनी आपत्ति जताई। दरअसल जल संकट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए राज्यसभा में मंत्री शेखावत ने अनंत शर्मा को अपने पिता के उम्र का बता दिया, जिस पर कांग्रेसी सांसद भड़क गए और उन्होंने तुरंत मंत्री से उनकी उम्र पूछ ली। इस पर मंत्री ने अपनी उम्र 50 साल बताई। जवाब में अनंत शर्मा ने कहा कि तो मेरी उम्र 65 साल है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है इस वीडियो में। इस विषय का समाधान नहीं हो सकता, हमको अपने आप को उसके बीच में खड़ा करके देखना पड़ेगा कि कहां हमारी पीढ़ी से चूक हुई है। आनंद शर्मा साहब मेरे पिताजी के उम्र के हैं, जयराम रमेश साहब भी लगभग मेरे पिताजी के उम्र के होंगे, शायद पिताजी के जितने आदरणीय निश्चित रूप से होंगे। माननीय मंत्री जी, 50 साल मेरी आयु है साहब, 50 साल आयु है और मेरे 15 साल बड़ा हूँ। हाँ तो मेरे पिताजी से 4-5 साल छोटे हैं साहब। मेरे पिताजी से 4-5 साल ही छोटे हैं, ज्यादा नहीं है सर। नहीं, देखिए माननीय मंत्री जी, मैं काका बोल रहा हूँ सर। माननीय मंत्री जी, इस बारे में माननीय आनंद जी जो कहेंगे वही सही है। नहीं नहीं बिल्कुल, वैसे भी जो आनंद जी कहेंगे वो सही है, मैं ये मान के चलता हूँ। नहीं नहीं, हम सबकी कामना हमेशा युवा रहे और इसी तरह आपका। माननीय उपसभापति जी, मैंने कुछ विषयों की चर्चा की उसके साथ में, एक विषय मेरे घर परिवार में जो संस्कार से सिखाया था वो ये था कि ब्राह्मण का बेटा तो 4 साल का भी दादा के बराबर है, इसलिए कह रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं ये आपका संरक्षण इसलिए चाहता था। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने संस्कारों की चर्चा कर रहा था। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण इसलिए चाहता था कि कृपया बैठ, आपकी बात भी रिकॉर्ड पे आ गई। माननीय सभापति महोदय, प्लीज यू आर लेफ्ट विथ ओनली 6 मिनट्स, यू हैव टू कंप्लीट विद इन हाफ एन आवर सर, प्लीज सर। क्या खत्म करना है मुझे, तो काहे बोलते हो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण इसलिए चाहता था कि मैं इन परंपराओं की चर्चा कर रहा था जिनके कारण से जल की सुरक्षा समाज को मिलती थी, और यदि उन परंपराओं को वापस हम पुनर्जीवित नहीं करेंगे, उन सारे विषयों को संरक्षित, उन सारे जल संसाधनों का जो पौराणिक रूप से हमारे साथ पास में थे, उन सब को यदि हम पुनर्जीवित नहीं करेंगे जैसा आप सभी लोगों ने चर्चा की थी, तो हम जल से शायद सुरक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस दृष्टिकोण से मैं ये विषय सब आपके सामने रखना चाहता था कि किस तरह से एक एक बूंद पानी का संरक्षण करने की परंपराएं, समृद्ध परंपराएं थी, और उन परंपराओं को कहां हमने खोया है, क्यों हमारी पीढ़ी ने जो जिस तरह से पारंपरिक रूप से ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान, ये विद्या, ये संस्कार जिस तरह से हस्तांतरित होते थे, उस हस्तांतरण में कहां चूक हुई है, इस बात को हमको खोजना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय,